हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। सो यहाँ पे हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट फॉरेन इन्वेजन। दो इन्वेजन्स हमने पढ़ी थी, पहली पर्शियन इन्वेजन, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है, ये दो इन्वेजन्स हमने पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, एंशेंट हिस्ट्री का। और मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, यहाँ तो वो आर्ट एंड कल्चर से बनते हैं और दूसरा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बनते हैं। आज हम इम्पॉर्टेंट किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, तीन मेजर किंग्स हुए हैं जो, उसके बाद पढ़ेंगे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा था, इतने अच्छे, मतलब कितनी अच्छी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन रही होगी जो इतना बड़ा एरिया उन्होंने अच्छी तरह चलाया, काफ़ी देर तक रूल किया। ठीक है, तकरीबन 321 BC से लेके 185 BC तक हमें मौर्यन एम्पायर देखने को मिलता है। अब लास्ट हमने क्या पढ़ा था, जो मगध था, लास्ट रूल वहाँ पे किसका चल रहा था जिस टाइम अलेक्जेंडर का यहाँ तक इन्वेजन हुआ ब्यास तक, आगे किसका रूल चल रहा था, नंद डायनेस्टी का। ठीक है, धनानंदा का रूल चल रहा था। अब हम देखेंगे किस तरह से ये नंदा डायनेस्टी यहाँ से ख़त्म हुई और किसका रूल स्थापित हुआ, ये किसने टेक ओवर कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके पहले देखते हैं सोर्सेस के बारे में। दो तरह के सोर्सेस से हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, वो दो सोर्सेस कौन कौन से हैं, पहला लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। थोड़ा सा रिवाइज करना, हमने जब स्टार्ट की थी हिस्ट्री पढ़ना तब हमने पढ़ा था वो हिस्ट्री का पार्ट जिसके हमें लिखे हुए लिखित या लिटरेरी सोर्सेस नहीं मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। जिसके मिलते हैं बट डेसिफर नहीं किया, उसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब इसके अगर हमें लिटरेरी सोर्सेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब मौर्यन एम्पायर कौन सा पार्ट है, हिस्टोरिक पीरियड का एक पार्ट है। ठीक है, तीन मेजर सोर्सेज हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला है अर्थशास्त्र जो कौटिल्या ने लिखा था, बाद में चंद्रगुप्त मौर्यन के कोर्ट का ये पार्ट था, कोर्ट के ये मेंबर थे। उसके बाद सेकंड देखते हैं मेगास्थनीस इंडिका, लिखी किसने थी ये, मेगास्थनीस ने, जो ग्रीक एम्बेसडर थे। और थर्ड है मुद्रा राक्षसा, ये किसने लिखी थी, विशाखादत्ता ने। कि दोनों मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में लिखे गए हैं, लेकिन जो मुद्रा राक्षसा है ये कब लिखी गई थी, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तकरीबन 500-600 साल बाद। जो अर्थशास्त्र है कौटिल्या ने लिखा हुआ, एक तो वो तीन चार मेजर पॉइंट्स याद करने हैं उसके बारे में। डिस्कवर की किसने थी, समा सेती ने। उसके बाद इसमें टोटल 15 बुक्स हैं और 180 पार्ट्स या चैप्टर्स कह लो, ठीक है, 180 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट डिवीज़न है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, ये किसके बारे में बात करता है, किंग के बारे में और उसकी काउंसिल के बारे में। आगे जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो किस तरह से उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उन्होंने सेट की हुई थी, कौन कौन से ऑफिसर थे, कैसे कैसे वो काम करते थे, वो सब कहाँ से मिलती है हमें, अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र के अलावा जो मेगास्थनीस की इंडिका है उसमें भी उसने यही बताया हुआ है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बट अब बात क्या आती है, हिस्टोरियंस को, जो हिस्टोरियंस का कन्फ्लिक्ट है इस बात को लेके, जो कौटिल्या थे वो उनके अपने कोर्ट के मेंबर थे और जो मेगास्थनीस थे वो एक एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर्स थे। अब हिस्टोरियंस का ये कहना है एक इंसान जो बाहर से आके उनके एम्पायर में रह रहे हैं वो सिर्फ उतना लिख सकता है, उतना बता सकता है जितना उसको बताने दिया होगा या जितना उसको दिखाया होगा, लेकिन जो कोर्ट में खुद रहता है उसको ऑब्वियसली ज़्यादा पता होगा। इसलिए जो ज़्यादा रिलायबल सोर्स है वो अर्थशास्त्र है। बट एग्ज़ाम के लिए हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है और उन्होंने क्या बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, ये बुक तो मिली नहीं थी। बाद में जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उन्होंने कुछ पार्ट्स अपने कोर्स में ऐड किए हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि मेगास्थनीस ने इंडिका नाम की कोई बुक लिखी है जहाँ पे ये लिखा हुआ है जो मौर्य थे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करते कैसे थे। अब आता है मुद्रा राक्षसा, विशाखदत्त ने लिखी थी ये काफ़ी बाद, 500-600 साल बाद मौर्यन एम्पायर के, संस्कृत में लिखी गई है। अब इसमें क्या बताया है, हमने ये तीन चार बार रिपीट कर दिया, लास्ट नंद डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी को ओवरटेक करके किसका रूल आया, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब वो रूल आया कैसे, किस तरह से, जो नंद डायनेस्टी इतनी पावरफुल थी जिन्होंने अपने टाइम पे क्षत्रियों को निकाल के शूद्रों का रूल सेट किया, उनका कैसे डाउनफॉल हो गया, अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसको लेके भी कन्फ्लिक्ट है। कि बेसिकली जो ये मुद्र राक्षस है ये सिर्फ एक प्ले है, नाटक है, तो हिस्टोरियंस का ये कहना है ज़रूरी नहीं है इसका जो हर फैक्ट है वो सही हो सकता है कि सिर्फ इन कैरेक्टर्स का यूज़ करके उन्होंने कोई मनगढ़ंत कहानी लिख दी होगी। बट कहानी क्या है इसके पीछे, नंद का जो कोर्ट था उनके एक प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य,
उन्हीं के बेटे आगे आके हुए चाणक्य। अब जो चाणक्य के फादर थे चाणक, उनको धोखे से मरवा दिया था एक और मेंबर ने जिसका नाम था मुद्रा राक्षसा। ठीक है, अब वो आगे रिवेंज वाली बात, बदले वाली बात। चाणक्य ने क्या किया, अपने फादर का इंतकाम लेने के लिए, ठीक है, बदला लेने के लिए क्या किया, इनको मरवा दिया। अब मरवाया कैसे, यहाँ से भी एक छोटी सी टर्म आती है, उसमें से क्वेश्चन बनता है कि ये जो टर्म है ये कौन से एम्पायर के साथ रिलेट करती है। इन्होंने मुद्र राक्षसा को मरवाया विद द हेल्प ऑफ विषकन्या। अब ये विषकन्याएँ क्या होती थी, हमने प्रोस्टिट्यूट वाला कंसेप्ट पढ़ा था काफ़ी देर पहले से स्टार्ट हो गया था। एक मिनट, तो बेसिकली चाणक्य ने एक अरेंजमेंट करके रखा था, एक सेट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स रखी थी, ठीक है, उनका नाम था विषकन्या। अब विष का मतलब क्या होता है, पॉइजन। चाणक्य को पॉइजन से काफ़ी प्यार था, पॉइजन के साथ दो तीन स्टोरीज हैं। अब विषकन्याएँ ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स थी जिनको वो थोड़ा थोड़ा डोज देते थे जहर का, ठीक है, जहर था उनके अंदर। और मोर ओवर जब वो उनको किसी किंग के पास भेजते थे तब उनके लिप्स पे भी क्या लगाते थे, पॉइजन। जो प्रोस्टिट्यूट किसी किंग के पास, किसी किसी भी मेल के पास जाएगी, किस होती थी और किस से क्या होता था, पॉइजन लगेगा और ऑन स्पॉट डेथ हो जाती थी, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन था। तो इस तरह से इन्होंने मुद्र राक्षसा का मर्डर करवाया। अब यहाँ तक तो ख़त्म हो गया, अब पीछे कौन बचे थे, धनानंदा। अब इनके साथ भी चाणक्य ने क्या किया, एक और कॉन्स्पिरेसी रची, साधु का वेश लिया और वो इनके कोर्ट में चले गए। अब सबके लिए वो साधु थे लेकिन वो एक्चुअल में थे कौन, चाणक्य। यहाँ पे आके उन्होंने क्या बोला, बहस हुई दोनों के बीच वर्बल। नंदा ने बोला आप मेरे कोर्ट में आए कैसे, विदाउट माई परमिशन, हो कौन ये वो। चाणक्य ने क्या बोला, एज ए साधु कि मैं शराब देता हूँ, ठीक है, वो शराब वाला कंसेप्ट कि आपका कुछ भी नहीं रहेगा, और ये बोल के वो वहाँ से निकल गए। उन्होंने क्या किया, जो इनका टेरिटरी थी पाटलिपुत्र वाला, वहाँ पे उन्होंने जो मेन सोर्स था वाटर का, अगेन वहाँ पे क्या ऐड कर दिया, पॉइजन। पॉइजन की बहुत हेल्प ली उन्होंने, पॉइजन ऐड कर दिया। अब लोगों का वही मेन सोर्स था पानी का, तो क्या होने लगा, कैजुअलिटीज़ होने लगी। लोगों ने समझ लिया कि पक्का ये जो साधु बोल के गए हमारे राजा के कोर्ट में, ये पक्का उसी का श्राप लगा है, वही सब हो रहा है। अभी उन्होंने टेरिटरी क्रॉस भी नहीं की थी, तो महाराज ने, नंदा ने, महानंद ने क्या किया, उनको बुलावा भेजा, वापस आओ, ऐसे ऐसे हो गया, मैं सॉरी बोलता हूँ, ये वो जो भी है। चाणक्य ने क्या किया, तब भी साधु के वेश में थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं माफ़ कर देता हूँ, जो भी मेरे श्राप की वजह से हुआ है वो सब वापस हो जाएगा, लेकिन आपको वनप्रस्थ होना पड़ेगा, ठीक है, जंगल की तरफ जाना पड़ेगा, अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा। पब्लिक का प्रेशर था कि हम से इतनी जाने जा रही हैं, इससे अच्छा है अगर आप राजा हो, बाकियों का भला चाहते हो, तो आप छोड़ दो अपना कोर्ट, अपना महल वहल। जैसे वो अपनी टेरिटरी से बाहर गए, आगे उन्होंने एम्बुश सेट करके रखा था, और इस तरह से उन्होंने किसको मरवा दिया, धनानंदा को। रूलर ख़त्म, अब किसको बिठा दिया उसके ऊपर, पहले रूलर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य को लेके भी कुछ अगेन कन्फ्लिक्ट है हिस्टोरियंस का, एक्चुअली थे कौन, कहाँ से आए, कौन इनके पेरेंट्स थे। बट वन ऑफ द थ्योरी क्या कहती है, इनकी वो जो हमने पहले पढ़ा प्रोस्टिट्यूट वाली बात, एक प्रोस्टिट्यूट थी नंद की कोर्ट में, ठीक है, उनके टेरिटरी में, धनानंद की, उनके साथ उनके जो रिलेशंस थे, उनका एक बेटा हुआ था इलेजिमेट, उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से आए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके पहले एक ही रह गया था, हम लिटरली सोर्स पढ़े, उसके बाद आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। किन आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हमें मौर्यन एम्पायर का पता चलता है, अशोका के एडिक्ट से। कुछ रॉक थे, कुछ पिलर थे, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आर्ट और कल्चर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आज हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स तक करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। टाइम पीरियड है इनका 322 BC से लेके 298 BC तक। फाउंडर बोलते हैं इनको मौर्यन एम्पायर का, दो तो तीन तीन बातें मेन इंपॉर्टेंट हैं जो तीनों के बारे में याद करनी है, ठीक है। उसके बाद अबाउट 25 ईयर्स की एज में उन्होंने लास्ट नंद एम्पायर के जो रूलर थे उनको निकाल के खुद उनके एम्पायर को कैप्चर कर लिया। पढ़ लिया हमने कैसे कैसे क्या हुआ था। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आता एज पे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बताओ वो कितने साल के थे जब उन्होंने ये किया, बट जो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज ट्रू अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, तो मे बी उसमें एक एडिशन ये भी हो, एक स्टेटमेंट ये भी हो, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन एज पे कभी नहीं आता। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनके बारे में, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट रूलर टू पॉलिटिकली कॉन्क्योर एंटायर आर्यवर्ता।
अब आर्यभट्ट आपको कब समझ में आएगा, जब आपने वो पढ़ा होगा। इसके पहले जब हमने वैदिक एज स्टार्ट की थी, वहाँ पे एक छोटा सा हमने कंसेप्ट पढ़ा था आर्यंस के बारे में, आर्यंस कहाँ से आए, सबसे पहले आके वो कहाँ सेटल हुए, तब हमने पढ़ा था दो चीज़ें। आर्यंस जब इंडिया में आए, नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट जितना भी उन्होंने कॉन्क्वर कर लिया था उसको हम बोलते हैं आर्यभट्ट। सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट जो आर्यंस ने कॉन्क्वर किया था वो आर्यभट्ट था, और पूरे इंडिया का जितना पार्ट उन्होंने कॉन्क्वर किया था उसको सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो पॉइंट हमने पढ़े थे। अब जिसने पॉलिटिकली वो सारा कॉन्क्योर कर लिया था वो कौन बने पहले? चंद्रगुप्त मौर्य। एक और इम्पॉर्टेंट, इन्होंने दो ग्रेनरीज एस्टेब्लिश करी थी ड्यूरिंग फेमाइन। अब ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, फेमाइन के बारे में हमने कब पढ़ा था? जब हम जैनिज्म पढ़ रहे थे, मगध में एक फेमाइन आया था, अकाल पड़ा था। तब क्या हुआ था, जो उस टाइम लोग जैनिज्म फॉलो करते थे, कुछ नॉर्थ इंडिया में रुके, वेट किया उन्होंने, चीज़ें सेटल हो गई, और कुछ साउथ वाली साइड आ गए। तब दो सेक्ट बने थे, श्वेतांबर दिगांबर जो नीचे आ गए थे वो भद्रबाहु के लीडरशिप में आए थे, जो ऊपर वाले थे वो स्थूल बाहु की। ठीक है, उसी टाइम इन्होंने दो ग्रेनरी सेट की थी, अन्नग्रह सेट किए थे। उसके बाद सेलुकस निकेटर के साथ इनकी एक वॉर हुई है। अब सेलुकस के बारे में हमने कब पढ़ा था? अभी पिछली बार जब हमने अलेक्जेंडर की इन्वेजन पढ़ी थी, जो जो एरिया अलेक्जेंडर ने कॉन्क्योर किए थे इंडिया में, वहाँ वो अपने गवर्नर छोड़ के गए थे, अम्बी वाले साइड अम्बी रूलर, उसके बाद पोरस को, और उनमें से एक कौन था गवर्नर? सेलुकस। इनके साथ इनकी वॉर होती है और ये कहाँ एक्सटेंड कर जाते हैं? अब नॉर्थ वाला इंडिया जो पहले अलेक्जेंडर के कब्जे में था, अब वो भी किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। बीच वाला पहले था, अब नॉर्थ वाला भी हो गया, अब इनके बाद जो आते हैं वो साउथ वाला भी कर लेंगे। मेगास्थनीस वाज सेंट एज ए एम्बेसडर इन द चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर थे जिनको इनके कोर्ट में भेजा गया, वही जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, इंडिका लिखी थी इन्होंने। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने संलेखना परफॉर्म किया था एट श्रावादी बे गोला कर्नाटक। ठीक है, साउथ में जाके इन्होंने संलेखन कर लिया था। संलेखन क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन से धर्म के साथ रिलेट करता है? जैनिज्म के साथ। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जो ये इंपॉर्टेंट रूलर हैं, ये कौन से धर्म को पैट्रॉन करते थे, किसने कोई काउंसिल करवाई है, ये कुछ मेजर कोई योगदान दिया अपना किसी धर्म को लेके, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब संलेखन परफॉर्म किया इन्होंने, तो ऑब्वियसली कौन से धर्म को पालन करते होंगे, मानते होंगे? जैनिज्म को। नेक्स्ट आते हैं बिंदुसारा। अब बिंदुसारा और बिंबिसरा कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिंबिसरा हरिंके डायनेस्टी के रूलर थे जो हमने मगध में पढ़ी थी, है ना, बिंबिसरा के बाद अजातशत्रु के फादर थे, और बिंदुसारा मौर्य के हैं, मौर्य किंगडम के। अब इनका नाम बिंदुसारा कैसे पड़ा? अगेन एक और स्टोरी है चाणक्य की पॉइजन को लेके। जब उन्होंने देखा ऑलरेडी इतना यूज़ हो ही रहा है कोर्ट में, तो ऐसा ना हो कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी कोई जहर दे के मार दे, खुद तो वो काम किए ही थे, उनको लेके भी डर था। उन्होंने स्टार्टिंग से क्या किया, चंद्रगुप्त को थोड़ी थोड़ी डोज देना शुरू कर दी जहर की, कि टाइम के साथ कुछ ज़्यादा दे भी दे तो असर ही ना हो। खाने में जहर डाल के देते थे उनको, किसी को पता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य रोटी खाने बैठे, साथ में उनकी वाइफ बैठी थी, प्यार आया, अपने खाने का एक निवाला लिया और वाइफ को खिला दिया। उस टाइम पे जो उनकी वाइफ थे वो प्रेग्नेंट थे। अब जहर का असर चंद्रगुप्त मौर्य पे नहीं होता था, बट वाइफ पे हो गया। जब ये सिचुएशन बनी तब वहाँ पे चाणक्य आते हैं, उनको तो पता था क्या हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा कहते हैं कि जब उनको पता चला कि जहर अपना असर कर गया हुआ है, उन्होंने उनका क्या, ऐसा कहते हैं कि वोम फाड़ के, पेट फाड़ के वो बच्चा बाहर निकाल लिया, और वो बच्चा कौन था? बिंदुसारा। बिंदु का मतलब ड्रॉप और सारा का मतलब विष या पॉइजन, वहाँ से इनका नाम पड़ा बिंदुसारा। अब स्टोरी याद ना भी रहे बट बिंबिसरा और बिंदुसारा में कन्फ्यूजन नहीं होगी। इनका रूल कब से कब तक रहा? 298 से लेके 273 BC तक। किसके बेटे थे ये? पीछे चंद्रगुप्त मौर्य के। दूसरा, अमित घाट के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब जो पेनिनसुलर रीजन है, अभी हमने पढ़ा कि नॉर्थ वाला किसने पहले कॉन्क्योर कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब नीचे वाला किसने कर लिया? पेनिनसुलर इंडिया, बिंदुसारा ने। नॉर्थ भी इनका हो गया, मौर्यंस का, और नीचे साउथ भी इनका हो गया। उसके बाद एक ग्रीक एम्बेसडर थे डाइमेकस, वो किसके टाइम पे सेंड किए गए थे मौर्यन कोर्ट में? ड्यूरिंग टाइम ऑफ बिंदुसारा। अगेन जितने भी फॉरेनर ट्रैवलर्स आते हैं, बाहर से कोई राइटर आता है, जो एम्बेसडर आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये एम्बेसडर आया कहाँ से था, किसने भेजा था, और किसके कोर्ट में आया था। ठीक है, बाद में इन्होंने आजीविका सेक्ट ज्वाइन कर लिया था। आजीविका सेक्ट के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जो इस सेक्ट को मानते थे, उनका बेसिकली क्या मोटिव था कि ये जो मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनसे दूर रहना, सिंपल सन्यासी साधु वाली लाइफ जीनी चाहिए,
तो बाद में ये भी उसको उसके फॉलोअर बन गए थे। आजीविका सेक्ट बुद्धिज्म से जैनिज्म से थोड़ा अलग था। दो बेटे थे इनके, मेन दो थे बट कहते हैं कि इनके मल्टीपल सन्स थे, ठीक, काफ़ी ज़्यादा बेटे थे इनके, और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था जो बाद में हमें दिखने को मिलता है वो कौन थे, अशोक। अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक, अशोका टाइम पीरियड है इनका 268 BC से लेके 232 BC तक। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जब इनका रूल 273 में ख़त्म हो गया था उसके बाद इन्होंने जो थ्रोन को टेक ओवर किया, इन्होंने जब एम्पायर संभाला कौन से ईयर में, 268 BC में। अब ये डिफरेंस क्यों था इतना, 3-4 साल का डिफरेंस क्यों था, जो हमने पीछे पढ़ा बिंदुसारा के काफ़ी बेटे थे, पॉलीगैमी चलती थी उस टाइम, काफ़ी बेटे थे, उनके बीच आपस में लड़ाई थी फॉर पावर, और अल्टीमेटली कौन उभर के आया, अशोक। अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अशोक काफ़ी ज़्यादा क्रूर थे, इतने क्रूर कि उन्होंने अपने भाइयों को मार दिया था पावर के लिए। और एक चाइनीज़ राइटर थे, फाहीन करके नाम था उनका, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट भी लिखी थी इनके बारे में कि ये इस तरह की पनिशमेंट देते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं अशोका, ऐसा लगता है जैसे नर्क से सीख के आए हैं, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। पहले जब इनके जो फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने जो ऊपर वाला रीजन पूरा कॉन्कर कर लिया था, जो तक्षशिला वाला पार्ट था अभी प्रेजेंट पाकिस्तान, उस वहाँ पर इन्होंने सर्व किया एज वाइसरॉय। उसके बाद जो मेजर इवेंट आता है इनकी लाइफ में वो कौन सा है, वॉर ऑफ कलिंगा, 267 BC में लड़ाई लड़ी गई। नॉर्थ वाला रीजन पहले से चंद्रगुप्त मौर्य ने ले लिया, नीचे साउथ वाला उनके फादर ने बिंदुसारा ने ले लिया, अब बचा कौन सा था, सिर्फ ये वाला उत्कल कलिंग वाला, वो अब किसने ले लिया, अशोक ने। इस तरह से जो पूरी ऑलमोस्ट पूरी टेरिटरी है इंडिया की, जम्मू बोल रही थी, इंडिया की, वो किसके अंडर आ गई, अशोका के अंडर। बट अगर ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, उसके बाद एक जो मेजर चीज़ हमें देखने को मिलती है, बजाय खुश होने के, अब यहाँ पे आके उनको रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लाखों के हिसाब से कहते हैं कि लोग भूखमरी से मरे, जो वॉर में कैजुअलिटीज़ हुई वो अलग थी, उसके बाद कितने बच्चे, मतलब जो साइट थी वॉर के बाद की, पोस्ट वॉर जो साइट थी, कितने बच्चे अनाथ हो गए, विडोज़ हो गई, घर चले गए लोगों के, वो कितने साल तक वहाँ पे भूखमरी से लोग, कितनी देर तक, सॉरी, भूखमरी से मरने लगे। तो ये इस साइट से वो काफ़ी अफेक्टेड हो गए, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है, तब उन्होंने डिसाइड किया, बुद्धिज़्म के डिसिपल बन गए वो, और उन्होंने डिसाइड किया कि फर्दर अब वो ना ही कोई एक्सपेडिशन करेंगे, एटलीस्ट कोई भी वॉर नहीं करेंगे, ठीक है, लड़ाई जंग वो कभी नहीं करेंगे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम पढ़ते हैं, वो भी किसने करवाई थी, इससे पहले हमने अजातशत्रु के पढ़ा था, काल अशोक पढ़े थे, अब थर्ड किसने करवाई थी, अशोक ने खुद, और बाद में जो इनके बेटे बेटी थे कमाल कमाली, उनको भी इन्होंने भेजा था श्रीलंका बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अशोका के बारे में, काफ़ी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे क्या है, उन्होंने अपने आप को किस नाम से बुलाया था, देव प्रिय, जो देव प्रिय है, जो भगवान का प्यार है, प्रियदासी, ठीक है, पीसफुल अपेयरेंस है जिसकी, इस तरह से उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया था इन हिज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के बारे में रॉक एडिक्ट हैं, पिलर एडिक्ट हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब कल आर्ट और कल्चर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी देखेंगे चार ऐसी इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी अपना नाम नहीं लिखा हुआ है, वो कल देखेंगे सब, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्म। अब कुछ का ये कहना है कि जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया, तो ये जो धम्म वाली पॉलिसी थी ये उसका कॉपी पेस्ट था, ऑल दो ये धम्म पॉलिसी उनसे इंस्पायर्ड थी बट बिल्कुल भी कॉपी नहीं थी बुद्धिज़्म की, ये उनका अपना इन्वेंशन है। अब तीन मेन पिलर्स में समझते हैं पॉलिसी को, बिल्कुल सिंपल, एक साइड थी एडमिनिस्ट्रेशन, एक साइड थी उनकी मोरालिटी, मोरालिटी, और एक साइड थी सोशल लाइफ है, सोसाइटी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए धर्म को पालन करने के लिए उन्होंने ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की, क्या बोलते थे उनको, ठीक है, पहले संघ थे, उन्होंने धर्म महात्मास को रिक्रूट किया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब यही मेजर डिफरेंस है कि उन्होंने संघ को, जो पहले संघ चलते आ रहे थे बुद्धिज़्म में, उन्होंने उनका यूज़ नहीं किया, उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए धर्म महात्मा, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी को उन्होंने क्या सिखाया विद द पॉलिसी ऑफ धम्म, आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, नॉन वायलेंस नहीं करना है, इंसान तो इंसान, जो एनिमल्स भी हैं आपके आसपास आते हैं उनसे भी प्रेम प्यार से बात करनी है, आपके स्लेव्स हैं, सर्वेंट्स हैं और रखो, बट उनके साथ भी आपको
प्यार से पेश आना चाहिए, ये सिखाया उन्हें सोसाइटी को। मॉरली उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सी लाइन बोली, लिव एंड लेट अदर्स लिव, खुद भी जियो और बाकियों को भी जीने दो। और जीना कैसे, कंपैशन के साथ, प्यार के साथ, नफरत नहीं। खुद तो वो करके बैठे थे, बाकियों को मना कर रहे थे अब मत करो, ठीक है मैंने रियलाइज़ किया है और इसलिए मैं बाकियों को सिखा रहा हूँ अब ये मत करो। दो और बातें आती हैं मेजर, जो अशोक थे वो किस में बिलीव करते थे, दो थियोरीज में, एक तो डिवाइनिटी ऑफ किंग और दूसरा पैटर्निटी ऑफ किंग। दो क्या बातें थी, एक तो डिवाइन वो मानते थे, जो किंग है जो रूलर है वो डिवाइन है, ठीक है वो हेड है, उसकी बात माननी चाहिए, वो जो कर रहा है वो सही है, अल्टीमेट जो पावर है वो कौन है, किंग है। दूसरा वो मानते थे जो किंग है जो रूलर है उसका अपनी प्रजा के साथ, अपने लोगों के साथ कैसा रिलेशन होता है, पैटर्नल, मतलब वो अपने आप को एज ए फादर कंसिडर करते थे और जो उनकी प्रजा थी उनको एज ए बच्चा, अपने बच्चे हैं। और उनका कहना था कि जैसे फादर को अपने बच्चों को कभी कुछ सिखाने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वैसे ही कभी कभी रूलर को अपने प्रजा के जनहित के लिए, प्रजा के हित के लिए या जनहित के लिए कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है या स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ये थोड़ा ओवरव्यू था, अब फीचर्स क्या हैं उसके, क्या नीड थी वो देखते हैं, एक सेकेंड बस। अब दो तीन बातें हमने देखी, जैनिज्म पहले से प्रेवलेंट था, बुद्धिज़्म चलता आ रहा था, ब्राह्मण की जो सुपरमेसी थी वो दोबारा से आ गई थी, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था, तो कन्फ्लिक्ट हो रहे थे सोसाइटी में। उन सबको ओवरकम करने के लिए और एक पीसफुल साम्राज्य बनाने के लिए अशोका ने क्या सोचा कि वो एक ऐसी पॉलिसी निकालेंगे जो सबको माननी है और सबके लिए हितकारी होगी, यूज़फुल होगी। ठीक है इसी सोच को रखते हुए उन्होंने ये पॉलिसी लाई। ठीक है यही इसकी नीड थी, मिनिमल फोर्स यूज़ करके, कोई भी फोर्स नहीं करने पड़े किसी को, बट सब ये पॉलिसी माने। ठीक है ये नीड थी सब समझने के लिए, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा। फीचर्स क्या थे इसके, किस किस बातों पे उन्होंने फोकस किया था, जनरल बिहेवियर लोगों का, वही जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नॉन वायलेंस नहीं करना है, इच्छा ठीक है, जेलसी नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, सबसे प्यार रखना है, वो सब। उसके बाद सबसे जो मेन फीचर था, टॉलरेंस ऑफ पीपल देमसेल्फ एंड ऑफ देयर बिलीव्स एंड आइडियाज़। ठीक है ये ऑलमोस्ट हर धर्म सिखाता है, मतलब क्या इसका, आप एक धर्म को मानते हो, आपके कुछ रिचुअल्स हैं, आपके कुछ बिलीव्स हैं, अच्छी बात है आपके लिए वही ऊपर है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकियों के धर्म को नीचा दिखाओ, उनके साथ लड़ो। आप अपने धर्म को ऊपर मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी वाले हैं उनके धर्म के लिए, उनके बिलीफ के लिए भी आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है नेक्स्ट है मॉरल बिहेवियर, अपने एल्डर्स के प्रति, टीचर्स के प्रति, इवन जो हमने पहले डिस्कस किया जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति भी प्यार दिखाओ, नॉन वायलेंस करना है, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। और उसके बाद वेलफेयर मेजर्स, वो खुद भी काफ़ी लिए थे उन्होंने, आगे हम पढ़ेंगे, होटल्स बनाए थे, इन्स, अब तो तब तो होटल्स नहीं होते थे, रेडिसन फॉर्चून इन्स बनाए थे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं उनकी टेरिटरी में, उनके रहने के लिए जगह बनाई थी, चिकित्सा उन्होंने बनाए थे, खुद भी काफ़ी काम किए थे सोशल वेलफेयर वाले। उसके बाद रॉक एडिक्ट 13 एक स्पेशल है, सारे पढ़ेंगे डिटेल में, बट जो रॉक एडिक्ट 13 है वहाँ पर उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि कलिंगा वार के बाद जो भी चेंज आई वो उन्होंने वहाँ पे लिखी है कि मैं वॉर छोड़ रहा हूँ, अब फर्दर मैं कोई भी वॉर टेकअप नहीं करूँगा। बाकी पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया, उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे धर्म पॉलिसी के लिए। और जो मेजर पार्ट है, जो मेजर पार्ट्स थे वो ये हैं, ठीक है पहले डिस्कस कर लिया हमने, सर्विस टू फादर एंड मदर, माता पिता की सेवा, अहिंसा प्रैक्टिस करनी है, सच बोलना है, टीचर्स को प्यार, टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी है, और रिलेटिव्स के साथ अच्छा व्यवहार करना है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, यहाँ पे भी पशु हत्या के खिलाफ थे वो, ये हम पीछे से चलते आ रहे हैं, है ना, जब महाभजन पद के टाइम भी हमने क्या देखा था, जो कऊ स्लॉटर था उसके लिए डेथ पनिशमेंट तक देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो एक्सपेंसिव मीनिंगलेस सेरेमनीज होती है, रिचुअल्स होते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, कि बड़ा हम खर्चा कर रहे हैं, बड़े हवन कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये सब करो, यही पहली सेवा है। नेक्स्ट है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ धम्मा यात्रास। धम्मा यात्रास क्या थी, पिलग्रिमेजेस, ठीक है, जहाँ ये पिलग्रिमेजेस कहाँ कहाँ की थी उन्होंने, जो बुद्ध गौतम बुद्ध थे उनको लेके जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, कुशीनगर हो गया जहाँ पे उन्होंने अपने देह का त्याग किया था,
उसके बाद जहाँ उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था, सारनाथ हो गया, इन सब जगहों पे, ठीक है, बोध गया जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिली थी, यहाँ पे उन्होंने धम्म यात्रा स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट बाय मास्टर्स एंड प्रिजनर्स, इवन जो कैदी भी हैं, जो अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर रखे हुए हैं उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट करो, आपके सर्वेंट हैं, आपके स्लेव्स हैं, सबके साथ एक इंसानियत वाला ट्रीटमेंट करो बाय गवर्नमेंट ऑफिशल्स। उसके बाद अगेन वही नॉन वायलेंस करना है एनिमल्स के लिए भी और जितने भी, और हाँ स्पेशली ये पता नहीं विजिबल है नहीं है ब्राह्मीन्स के लिए, ठीक है, ब्राह्मीन्स के प्रति आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। ब्राह्मीन सुपरमेसी पहले पढ़ा हमने। सी जो ये पूरा मोरन का सेट किया था एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न, ऑल दो धम्मा पॉलिसी उनकी अपनी थी बट वो सेट किसने किया था, कौटिल्या ने, और वो खुद क्या थे, ब्राह्मीन थे और वो भी बिलीव करते थे ब्राह्मीन सुपरमेसी में, इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। इवन कि जब हम पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पनिशमेंट थी वो भी वर्णा बेस्ड थी, सेम क्राइम अगर ब्राह्मीन करता है उसके लिए कम पनिशमेंट थी, वही क्राइम अगर कोई शूद्र करता है उसके लिए ज़्यादा पनिशमेंट थी, ठीक है, तो ब्राह्मीन सुपरमेसी हमें देखने को मिलती है। अच्छा ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से दो तीन बार क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया था। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो अशोक के टाइम एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखती हैं, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं दो तीन बार कि सिटी का नाम आया कि इंपॉर्टेंट सिटी थी ड्यूरिंग टाइम ऑफ विच किंग, तो आंसर होगा अशोक का। इसमें पाटलिपुत्र, कौसंबी, उज्जैन और तक्षशिला, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है। अब आते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे, मैंने अब पहले भी डिस्कस किया मौर्यन एम्पायर से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर बाद में आर्ट एंड कल्चर से। अब अगर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आप इसको आज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेट कर सकते हो, जैसे अभी है सेंटर है, स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सब, ठीक है, आगे डिटेल में देखते हैं। डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती है, प्रॉपर डिविजन्स हुई हैं गवर्नमेंट की। उसके बाद जो एम्पायर था वो किस में डिवाइडेड था, प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स आगे रूलर और अर्बन सेंटर्स में। अब पहले पढ़ते हैं कि नीड क्या थी, क्या नीड थी इतनी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की। इतनी बार हमने पढ़ लिया कि अब पूरा एरिया, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, कलिंग से लेके ऊपर नॉर्थ तक, कंबोज, गांधार, नीचे पेनिनसुलर इंडिया तक जो एरिया था वो किसके अंडर था, मौर्या, मौर्यन किंग्स के अंडर। तो इतनी बड़ी जो टेरिटरी थी उसके लिए एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम पूरा एरिया देखें तो फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा था, इतनी इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा था और फॉरेस्ट में कौन रहते थे, ट्राइब्स। अब एक कन्फ्लिक्ट था, एक फेस ऑफ था किस किस के बीच, उन फॉरेस्ट वाले ट्राइब्स के बीच और बाहर जो रहते थे अर्बन लोग उनके बीच। अब फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट वाले रीजन से रिसोर्स भी निकालने हैं बट उन लोगों को खुश कह लो या फिर उनको नॉर्मल भी रखना है कि वो अगेंस्ट ना हो जाए। इसके लिए ये कब, सिर्फ कब हो सकता है, आप एक अर्बन सिविलाइजेशन और एक ट्राइबल लोगों के साथ कब बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी एफिशिएंट है, तो ये भी एक रीज़न था, ठीक है। ये कुछ मेजर रीज़न थे। कहाँ तक पढ़ा, अच्छा यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं सप्त अंग थ्योरी ऑफ स्टेट। ये थ्योरीज कौटिल्या ने दी थी। इनका क्या कहना था कि किसी भी एम्पायर के लिए किसी भी रूलर को क्या चाहिए होता है, मेजर या जो मेन एलिमेंट है, सात एलिमेंट चाहिए। कौन कौन से हैं, स्वामी द किंग, किंग होना चाहिए, अमात्या ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स होने चाहिए, जनपदा, जनपद क्या थी पीछे हमने पढ़ा था, जन, जन से लेटर वेदिक एज आते आते क्या हो गया, जनपद हो गए, टेरिटरी चाहिए आपको रूल करने के लिए, कोशा, ट्रेजरी चाहिए, उसके बाद दंड, आपको एक मिलिट्री चाहिए, एक आर्मी चाहिए, मित्र आपके दोस्त होने चाहिए कोर्ट में, जहर वाले नहीं, ठीक है। दूसरे दुर्ग, फोर्टिफिकेशन, ठीक है, ये मेजर सात एलिमेंट थे। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, एक बार आप इनको रिवाइज करो, देखो मैं पानी पी लूँ, जो पीछे हमने पढ़े ये वही सात हैं। ठीक है, स्वामी द किंग हिमसेल्फ, अमात्या मिनिस्टर्स होने चाहिए, डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट के हैंड मिनिस्टर्स से, जनपद आपके पास लैंड भी तो होनी चाहिए, फोर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेजरी होनी चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, एक वेल एफिशिएंट आर्मी होनी चाहिए और आपके मित्र होने चाहिए। अब आता है मेन पार्ट,
ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को मेजर हम कितने पार्ट्स में पढ़ सकते हैं? सबसे ऊपर आती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के साथ हम पढ़ते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स आएंगी, टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट उससे नीचे आते हैं प्रोविंसेस, प्रोविंसेस से नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे आती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ आपको टर्म्स याद करनी है, जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे उनके नाम याद करने हैं कि कौन सा ऑफिशियल कौन सा ऑफिसर काम क्या करता था। उसके बाद आते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जुडिशरी, एक वेल इस्टेब्लिश्ड जुडिशरी हमें यहाँ देखने को मिलती है, कोर्ट्स थे, सुप्रीम कोर्ट थे, आगे देखते हैं। फिर आता है रेवेन्यू, ठीक है, टैक्सेस कहाँ से आते थे, मेजर सोर्स क्या था, कौन उनको कलेक्ट करता था। स्टार्ट करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थे, हमने पहले पढ़ा जो डिवाइन था, सुप्रीम था, मेजर पावर थी, वो किसके पास थी, सिर्फ और सिर्फ किंग के पास। जितने भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशल पावर थी, ऑल इन जो हेड ऑफ ऑल था वो कौन था, किंग खुद थे। उसके बाद उन्होंने मिनिस्टर्स, इतना बड़ा एरिया था तो एक तो कर नहीं सकता, उसके लिए उन्होंने मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था। मिनिस्टर्स के साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी थे। ब्यूरोक्रेसी हमें यहाँ देखने को मिलती है, आर्मी के सुप्रीम कमांडर भी वही थे, मिलिट्री सारी उनके अंडर थी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ही वॉज एडेड एंड एडवाइज्ड बाय मंत्री परिषद, या फिर आप कह लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो उसको गाइड करते थे। अभी अब आज के टाइम से अगर ये रिलेट करो, पॉलिटी अगर आपने पढ़ी होगी कि आगे पढ़ोगे, आर्टिकल 74-75 आते हैं, क्या बोलते हैं ये, देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू हेल्प एंड एड द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो हम आज देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहती है, प्राइम मिनिस्टर हैं, सेम उस टाइम भी उन्होंने क्या सेट किया था, एक मिनिस्टर्स की काउंसिल सेट की थी जो किंग को हेल्प करते थे। ब्यूरोक्रेसी हमें यहाँ देखने को मिलती है, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स थे, किस में हेल्प करते थे, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियल में और रेवेन्यू में, बट जो पूरी पावर थी वो किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास। अल्टीमेटली जो उनका डिसीजन होगा वही फाइनल है, बाकी सिर्फ उनको एड कर सकते थे, एडवाइस कर सकते थे, सजेस्ट कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू डिपार्टमेंट। अभी कितने डिपार्टमेंट थे, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये दिया कहाँ से ले रहे हैं हम, ये सोर्स क्या है इसका, अर्थशास्त्र, ठीक है, जो पहले पढ़ा था। कौटिल्य क्या कहते हैं कि जो पूरी कोर्ट, ये पूरा जो गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी सेंटर की, वो 8 डिपार्टमेंट्स में बंटी थी। जैसे एग्जांपल ले लो, कर्म मंत्रिका, ये किसको देखते थे, ये ऑफिसर इंडस्ट्रीज़ को। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है सनिधत्ता, ही कौन थे, जो ट्रेजरी को देखते थे, ट्रेजरी कोष के बारे में हमने पढ़ा, उसको लुक आफ्टर करते थे, ठीक है। इसके अलावा आर्मी मिनिस्टर्स थे, प्रीस्ट थे, राजपुरोहित थे, है ना, और गवर्नर थे फोर्ट्स के। बाद में जो प्रोविंसेस हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम गवर्नर्स देखेंगे। अब ब्राह्मिन्स के बारे में पढ़ते, ब्राह्मिन्स के बारे में क्या इन्फ्लुएंस था ब्राह्मिन्स का, हमने पहले पढ़ा, अशोक ने स्पेशली जब धर्म पॉलिसी निकाली थी वहाँ पे भी कहा, उससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं ब्राह्मिन्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक बढ़ गया था। ऑल्दो जो सेक्रीफाइसेस वगैरह थे उसको उनके लिए अशोक ने मना किया था, बट ब्राह्मिन्स की जो अपनी पोजीशन थी प्रीस्ट की, ब्राह्मिन्स की, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी, किंग कभी भी उनको डिसोबे नहीं करते थे, ठीक है। अब आते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, दो पार्ट्स में देखेंगे इसको। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चाणक्य ने जो लिखी है अर्थशास्त्र में, विष्णुगुप्त जिनका नाम है दूसरा, वो टोटली अलग है एज़ कम्पेयर टू जो मेगास्थीज ने लिखी है, दोनों देखनी है हमने, एग्जाम में दोनों पूछ सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो किंग की टेरिटरी थी वो प्रोविंसेस में बंटी हुई थी, क्या नाम थे उनके, जनपद, पहले पढ़ा हमने। जो मेन हेड था सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, ये टर्म सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनका नाम था नगरिका, और वो किससे हेल्प करते, किससे हेल्प लेते थे, कौन हेल्प करता था उनको छोटे लेवल पे, गोपा और स्थानिका, ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद चाणक्य बात करते हैं ऑफिशियल्स के बारे में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड थे। जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों का, मेगास्थनीस का, इंडिका का, और अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है, चाणक्य हमेशा बात करते थे ऑफिशियल्स की, कि ये डिपार्टमेंट है वो ऑफिशियल्स पे ज़्यादा फोकस किया है, कि कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम है, कौन उसको हेड करता था, कौन संभालता था। जबकि जो इंडिका में लिखा हुआ है उन्होंने वहाँ पर बार बार बात की है कमेटीज़ की, कि कमेटीज़ हुआ करती थी, डिपार्टमेंट्स नहीं थे, और चाणक्य ने कमेटी वाली बात से टोटली डिनाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट देखते हैं कौन कौन से थे, बंधन गृह अध्यक्ष, बंधन गृह क्या होता है, जेल, उनको जो देखते थे उनको हम क्या कहते थे, बंधन गृह अध्यक्ष, तोड़ के करोगे तो इजीली हो जाएगा,
फिर आता है रक्षा करना, किसको बोलते हैं हम, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन करता है, पुलिस। उसके बाद आता है पाण्याध्यक्ष, अध्यक्ष माने हेड, ट्रेड और कॉमर्स का हेड था जो। फिर आते हैं गोपा, ये क्या करते थे, डेथ और बर्थ को रजिस्टर करते थे। गोपा उस ये जो स्थानिक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, ठीक है। आगे हर प्रोविंस को किस में डिवाइड किया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को आगे छोटे छोटे यूनिट्स में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हम आगे देखेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, वसल स्टेट्स का, कि वसल स्टेट्स कुछ रीजन, सिर्फ कुछ रीजन ऐसे थे मौर्यन एम्पायर के जहाँ पे हमें ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कुछ हद तक देखने को मिलती है, ठीक है। स्पेसिफिकली किस एरिया से बुलाते थे उनको, वसल स्टेट्स। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, रिपोर्टर्स थे और क्लर्क, ठीक है, मुंशी वगैरह भी थे। ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है कौन सी वाली, जो हमें अर्थशास्त्र से देखने को मिलती है। अब इंडिका क्या कहती है, मेगास्थनीज की इंडिका क्या कहती है, वो कहते हैं डिपार्टमेंट नहीं थे, कमेटीज थी, 6 कमेटीज थी टोटल, एक कमेटी में 5 मेंबर्स थे, तो 6 कमेटी में कितने हो गए, 6 5 30, ठीक है, 30 मेंबर्स टोटल थे। यही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। एक बार गो थ्रू करो, सिर्फ नाम ही पढ़ने हैं। कमेटी थी इंडस्ट्रियल आर्ट्स पे, क्या काम था इनका, इंडस्ट्री का जो काम हो रहा है, क्राफ्ट बन रहे हैं उनको देखना, उनकी पेस को मेंटेन करना, वेजेस को मेंटेन करना, वो सब, उनकी इंस्पेक्शन करना। उसके बाद फॉरेनर एंटरटेनमेंट इसमें आता है, जो भी बाहर से आ रहा है, ठीक है, उनकी स्टेट का नहीं है, उनकी टेरिटरी का नहीं है, जो बाहर से आ रहा है उनका इंतज़ाम, खाना पीना उनको रखना, उनका एंटरटेनमेंट करना, वो सब। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, गोपास, वहाँ पे गोपा करते थे, यहाँ पे कौन करते थे, जो कमेटी मेंबर्स होंगे। फिर ट्रेड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स को देखना, इम्पोर्ट हो रहा है कुछ, एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या आ रहा है जा रहा है, कितनी उपज है, वो सब। फिर सुपरविजन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं आपके स्टेट में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सब देखना। और फिर लास्ट में आता है टैक्सेस, ठीक है, एक्साइज वाली ड्यूटीज़ आती हैं जो, वो सब। अब आते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे, बीच में मगध था, अब चलते हैं इसके नॉर्थ में, इसके साउथ में, इस साइड क्या हुआ, ईस्ट, और इस साइड हुआ वेस्ट, ठीक है। जो उसका नॉर्थ वाला पार्ट था उसको क्या बुलाते थे, उत्तरपथ, कैपिटल थी इसकी तक्षशिला। फिर आते हैं वेस्ट में अवंतीपथ, कैपिटल थी उज्जैन। फिर आता है प्राच्यपथ, ये वाला, और नीचे आता है दक्षिणपथ, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल थी इसकी कलिंग, और इसकी कैपिटल थी स्वर्णगिर, ठीक है, नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट अगर आपको लगता है नोट करना ज़रूरी है आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से प्रोविंसेस बंटे हुए थे। अब प्रोविंसेस का इंचार्ज कौन होता था, गवर्नर, और हर प्रोविंस किस में बंटी हुई होती थी, डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो इनको एडमिनिस्टर करते थे, इनके हेड थे वो कौन थे, कुमार मत्या, और दूसरे थे महामत्या, ठीक है, ये इनको असिस्ट करते थे। 4 प्रोविंसेस के नाम याद करने हैं, गवर्नर मेन हेड था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किसके पास थी, कुमार मत्यास के पास और महामत्यास के पास, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको बोलते क्या थे, आहार या फिर विषय, बस ये याद करना है। और ये अब इम्पॉर्टेंट है, कौन इनको एडमिनिस्टर करता था, राजू का, उसके नीचे प्रदेशिका या फिर युक्ता, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो गोपा, राजू का और युक्ता, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बाद में भी आ सकते हैं आगे भी। नेक्स्ट है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे नीचे क्या होता है, गांव, ग्राम के नाम से उनको जानते थे, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर थी, ग्रामिका, गोपा और स्थानिका। गोपा स्थानिका पहले हमने पढ़े, ये इनको हाई लेवल पर भी असिस्ट करते थे, ग्रामिका बिल्कुल लोअर लेवल पर था। अब आते हैं जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, वेल डेवलप्ड जुडिशरी थी। 2 कोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। बट अगेन जो ओवरऑल डिसीजन मेकर था, डिसीजन मेकिंग वाली पावर थी, वो किसके पास थी, डिवाइन कौन था, किंग। हाउएवर आप कोर्ट अपील लेके कहाँ जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट, किंग ही सुप्रीम था, लेकिन उनकी हेल्प के लिए जजिस अपॉइंट किए जाते थे ताकि वो डिस्प्यूट्स को, अच्छा एक पॉइंट मिस हो गया, चलो देखते हैं, ताकि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें। सुप्रीम कोर्ट होता कहाँ था, कैपिटल में उसकी लोकेशन थी, और जो चीफ जस्टिस था उसको हम किस नाम से बुलाते थे, धर्मार्थी करीन, ठीक है।
पनिशमेंट होती थी पहले भी हमने देखा। सबऑर्डिनेट कौन, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, जो उसकी सुप्रीम कोर्ट से थोड़े नीचे थे और उनको असिस्ट भी करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे कोर्ट ये, ठीक है। इनको कौन एडमिनिस्टर करता था, अमात्यास, ठीक है। अमात्यास के बारे में पहले भी पढ़ा हमने, लॉ ऑफिसर समझ लो, ठीक है। मिनिस्टर्स थे, ऑफिशियल थे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड थे। अब ये यहाँ पे भी सबऑर्डिनेट कोर्ट दो लेवल पे थे, टाउन्स पे और दूसरे विलेज लेवल पे। जो टाउन थे उनको नगर विहारिका महामंत्र सेट करते थे और जो विलेज लेवल थे उनको ग्राम प्रधा सेंट करते थे। अब यहाँ पे पॉइंट क्या मिस हुआ, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। हमने जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी, हमने पढ़ा था किंग के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अब जो चाणक्य हैं, उन्होंने इन दो, जो ये दो ऑफिसेज हैं किंग का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, इनके बारे में भी कुछ कहा था। क्या बोला था, उनका कहना था कि ये तो पावर्स हैं ही हैं, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, बट किसी को एक किंग बनने के लिए और मिनिस्टर्स को काउंसिल में शामिल होने के लिए कुछ चीज़ें होना इम्पोर्टेंट है। किंग के लिए उन्होंने क्या कहा था, एक तो वो उच्च कुल के होने चाहिए, एक बात, और दूसरा वो होने चाहिए अपहोल्डर ऑफ लॉ, ठीक है। धर्म, अब धर्म हम रिलीजन से जोड़ते हैं, बट उस टाइम वर्ड धर्म जहाँ भी आता है उसका मतलब था लॉ, ठीक है, अपहोल्डर ऑफ लॉ, इसको इनका पता होना चाहिए। तीसरा, वो इतना एबल होना चाहिए कि वो अपने टेरिटरी को मैनेज कर सके। चौथा, उसमें ट्रूथफुल वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा था किंग के बारे में। और मिनिस्टर्स के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि एक तो वो कभी भी किसी के प्रेशर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अल्टीमेटली एडवाइस करना है किंग को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। दूसरा, उनमें मनी की कोई भी ल्यूर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लालची नहीं होनी चाहिए। ये दो बातें उन्होंने बोली थी किंग के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। कहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक और दो कोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, धर्म साहित्य और दूसरे आते हैं कंटक का शोधन। अब ये किस बेस पर डिवीजन होती है, अब हम पढ़ते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट है, या आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, या जो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। उसमें क्या होता है, वो कौन से केसेस देखते हैं जो सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच है, दो स्टेट्स के बीच है, इस तरह से। वैसे ही धर्म साहित्य ऐसा कोर्ट था जो लोगों के आपस के डिस्प्यूट देखता था, दो लोगों के बीच आपस में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, इसका और इसका। लेकिन जो कंटक शोधन था वो ऐसे डिस्प्यूट्स देखता था जो एक तरफ सेंटर या मतलब गवर्नमेंट और किसी इंसान के बीच हो, ठीक है, प्रजा का कोई मेंबर और खुद सेंटर गवर्नमेंट से जो केस हों वो कौन देखते थे, कंटक शोधन। हो गया यहाँ तक जुडिशरी। अब आती है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। पहले हमने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखी, उसकी कोटल्य की कैसी थी, कोटल्य के सोर्स के मुताबिक कैसी थी, और मेगास्थनीज की कैसी थी। अब हम देखेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इनके अकॉर्डिंग कैसी थी, इन्होंने अपने इंडिका में क्या लिखा हुआ है, या इंडिका से जो हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग कैसी थी, और दूसरी अर्थशास्त्र के मुताबिक कैसी थी। अगेन इन्होंने दोबारा बोला यहाँ पे कमेटी थी, ये हमेशा कमेटी वाली साइड एम्फसाइज करते थे और वो डिपार्टमेंट वाली साइड, कमेटीज़ का उन्होंने कभी भी कोई भी मेंशन नहीं किया। 30 मेंबर्स थे, ठीक है, 6 कमेटी, दोबारा वही एक कमेटी, 5 मेंबर, 6 कमेटी, 30 मेंबर। इन्होंने 6 मेन बोर्ड्स के बारे में बात की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने 6 के बारे में किया है, और वहाँ पढ़ेंगे सिर्फ 4 हैं। वो 6 कौन कौन से थे, नेवी, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई, इन्फेंट्री, कैवलरी, कैवलरी वो हो गए जो घोड़ों पर सवार रहते हैं, मिलिट्री फोर्सेस, और इन्फेंट्री जो पैदल दल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जो पैदल चलते हैं, मिलिट्री फोर्सेस, वॉर चैरियट्स का और वॉर एलिफेंट का। ये 6 डिपार्टमेंट्स उन्होंने बताए थे जो रिलेट करते थे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थे, और ये जो हर डिपार्टमेंट था उसका हेड कौन था, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र ने क्या बोला है, कोई कमेटी नहीं थी, इन्होंने बात की थी चतुर्ण बल के बारे में, चतुर्ण क्या हुए, चतुर मैंने 4, ठीक है। इन्फेंट्री की बात इन्होंने भी की है, कैवलरी थी उनके पास, ये भी है। अब ये तो मतलब खुद समझने वाली बात है, जिस एम्पायर ने, जिन रूलर ने इतना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई किया, कॉन्कर कर लिया, ऑब्वियसली उनके पास जो मिलिट्री का अपहोल्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा होगा। चैरियट्स थे और एलिफेंट थे। अब यहाँ पे दो कम कौन से हैं, ना ही इन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात की थी और नेवी की, नेवल आर्मी की, नेवी फोर्सेस की अर्थशास्त्र में कोई भी बात नहीं हुई थी।
ठीक है, कुछ मेंशंस किया इन्होंने चाणक्य ने ऑफिशियल्स के बारे में, सेनापति था, नायक थे, मुखिया थे, उसके बाद आयुधर अध्यक्ष थे, रथ अध्यक्ष थे, रथ अध्यक्ष कौन से होते हैं, जो चैरियट्स के हेड थे, उसके बाद आते हैं हस्ता अध्यक्ष, हस्ता अध्यक्ष कौन होते थे, जो एलिफेंट्स को संभालते थे, संभालना मतलब उनको हेड करते थे, और आयुधर वाले कौन से हुए, जितना भी वॉर सप्लाई थी जहाँ पे वो रहती थी स्टोर समझ लो, उनका हेड कौन था, आयुधर अध्यक्ष। अब आता है रेवेन्यू के बारे में, मेजर सोर्स क्या था, मेजर सोर्स ऑफ इनकम या मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस, कौन उनको मेंटेन करता था, सनिधत्ता, पहले भी पढ़ा हमने इनके बारे में, ठीक है। अब ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो उनके मेजर सोर्सेज थे टैक्सेस के वो कौन कौन से थे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, पास्चर लैंड्स जहाँ पे वो पशु चराते होंगे अपने लोग, प्लांटेशन, फॉरेस्ट, माइन, रूरल एरिया से, सिटी से, और लैंड रेवेन्यू। जो रोड और ट्रांसपोर्ट से आता था वो था वनिक पथ, पास्चर से आता था व्रज, प्लांटेशन से सेतु, फॉरेस्ट से वन, माइन से खान, रूरल एरिया से राष्ट्र, सिटी से दुर्ग, और लैंड रेवेन्यू से भाग, सबसे इंपॉर्टेंट था लैंड रेवेन्यू, ठीक है, इतना रखते हैं। हाँ, एक और बात, अब जो ये मिलिट्री हमने देखी, चाहे सोर्स कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक बात है, जो मिलिट्री पर्सन थे देवर पेड इन कैश, ये एक ख़ास फीचर हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके पहले जो मेजर रूलर्स थे, जो मेजर एम्पायर्स हम देखने को मिलते हैं, उनको जो मिलिट्री पर्सन थे उनको लैंड दी जाती थी, बट यहाँ पे उनको पेमेंट किससे हो रही थी, कैश में, एक ये बात। दूसरा, जो लोग टैक्स दे रहे थे उनको भी छूट थी कि वो जो टैक्स है वो कैश मनी भी दे सकते हैं, और दूसरा जो वो कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पार्ट सेट किया हुआ था, भाग सेट किया हुआ था, 1/10, 1/4, उनको भी वो दे सकते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में भी दे सकते हैं, एक बात। और दूसरा, किंग के पास ये पूरी पावर थी कि वो टैक्स को कम या ज़्यादा कर सकते थे। इसका हम एक प्रूफ कहाँ पे मिलता है, अशोका के एडिक्ट पे, ठीक है, जो लुम्बिनी में है, वहाँ पे उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि लुम्बिनी किससे रिलेट करती है, बुद्धिज़्म से, गौतम बुद्ध के लिए एक स्पेशल जगह है, इसलिए मैं खुद अशोका यहाँ का टैक्स कम कर रहा हूँ, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज इतना रखते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे इनकी इकोनॉमी, थोड़ा से क्वेश्चन आते हैं उसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर। सो इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड, ताकि हम आगे वाले जो टॉपिक्स रहते हैं उनको भी कवर कर सकें। थैंक यू।